स्मार्टफोन्स के बढ़ते दौर में यूट्यूब अब हर किसी के पास है। यूट्यूब ऐप ने कई सारे लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया है। कुछ लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाकर पैसे कमा रहे हैं तो कुछ लोग यूट्यूब ऐप के वीडियो से प्रेरित होकर अपनी जिंदगी संवार रहे हैं। आज यूट्यूब वीडियो न केवल सिनेमा, गाने या मनोरंजन के लिए उपयोग हो रहा है, बल्कि इसका उपयोग घर के किचन से लेकर क्लासरूम तक किया जा रहा है। देखा जाए तो यूट्यूब ऐप हर किसी की ज़रूरत में शुमार हो गया है, और ऐसे में यूट्यूब बंद होने की बात कही जाए तो लोगों को आश्चर्य तो होगा ही। दरअसल 2016 में यूट्यूब ऐप ने लाइट वर्जन यूट्यूब गो को पेश किया था। ये सस्ते फ़ोन के लिए लॉन्च किया गया था ताकि बिना किसी रुकावट के सस्ते फ़ोन में भी यूट्यूब वीडियो देखा जा सके। अब अगस्त 2022 में यूट्यूब ने इस वर्जन यानी यूट्यूब गो को बंद करने का ऐलान कर दिया है। जो भी यूजर्स पहले से यूट्यूब गो को उपयोग कर रहे हैं, उन्हें वेब ब्राउजर के माध्यम से यूट्यूब तक पहुंचने या गूगल प्ले स्टोर में मेन यूट्यूब ऐप इंस्टॉल करने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि सस्ते फ़ोन पर बिना किसी रुकावट के वीडियो देखने के लिए यूट्यूब गो ऐप को लॉन्च किया गया था, जिसमें मुख्य यूट्यूब ऐप के कई सारे फीचर्स को हटा दिया गया था। गो ऐप वर्जन में कमेंट, पोस्ट या कंटेंट क्रिएट करने की सुविधा नहीं थी। गो वर्जन ऐप में डार्क थीम का उपयोग भी नहीं किया जा सकता था। 2016 में गो वर्जन ऐप को लाने का सबसे बड़ा कारण उन क्षेत्रों के यूजर्स को जोड़ना था जो इंटरनेट नेटवर्क की कमी से जूझ रहे थे। स्लो नेटवर्क में भी यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए यूट्यूब ने गो वर्जन को लॉन्च किया था। स्लो नेटवर्क में भी काम आने वाले यूट्यूब के गो वर्जन को आखिर बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल यूट्यूब प्रवक्ता के अनुसार मुख्य यूट्यूब ऐप में कई सारे सुधार किए गए हैं और इसे बेहतर प्रदर्शन के उपयुक्त बनाया गया है। विशेष रूप से स्लो नेटवर्क पर यूट्यूब देखने वालों के लिए इसमें सुधार किया गया है। साथ ही लिमिटेड डेटा वाले दर्शकों के लिए मोबाइल डेटा उपयोग को कम करने का भी काम किया गया है। मुख्य यूट्यूब ऐप में इतने सारे सुधार होने के बाद शायद ही यूट्यूब गो वर्जन की ज़रूरत पड़े। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएँ।